कोरोना वायरस का जहर अभी तक खत्म नहीं हुआ है। लगातार इसकी संख्या बढ़ती जा रही है और भारत में भी इसका असर देखने को मिला था। कोरोना वायरस की वजह से सिर्फ और सिर्फ लोग बीमार और अपनी जानें ही नहीं गंवा रहे, आर्थिक नुकसान भी उनको झेलना पड़ रहा है। यहाँ पर बता दें कि चीन, भारत और इसके अलावा भी आसपास के देशों में भी इसका प्रभाव पड़ रहा है और लगातार वहाँ भी ये संक्रमण फैलता जा रहा है। तो ऐसे में ये कोरोना वायरस बेहद ही खतरनाक और जहरीला है, जिसके तहत यहाँ पर लोगों की जाने जा चुकी हैं और इसकी संख्या लगातार बढ़ रही है। और भारत की बात की जाए तो भारत में तो इसका असर पड़ा ही है, लेकिन ज्यादा असर नहीं देखा गया है, लेकिन भारत पर इसका असर आर्थिक रूप से पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हाँ, आपको बता दें कि कोरोना वायरस की वजह से शेयर बाजार में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है, यानी कि सेंसेक्स 1000 अंक लुढ़क गया है, यानी कि आर्थिक व्यवस्था यहाँ पर चरमराती हुई दिखाई दे रही है, जिसका कारण कोरोना वायरस बताया जा रहा है। लेकिन क्या कोरोना वायरस की वजह से ही यहाँ पर अर्थव्यवस्था गिरती हुई नजर आ रही है या और भी कुछ कारण हो सकते हैं? लेकिन जो वायरस फैल रहा है, इसकी वजह से वहां पर अपने भारतवासियों को निकालने के लिए जद्दोजहद भी जारी है, वहां पर दूसरे देशों में ये प्रभाव फैल रहा है और जो चीन से भारत आने की कोशिश की जा रही है तो वहां पर भी रास्ते पर रोके जा रहे हैं। तमाम तरीके से प्रयास किया जा रहा है कि ये वायरस और ना फैले और उसका असर यहाँ पर शेयर बाजार पर भी पड़ता हुआ दिखाई दिया है, जिसकी गिरावट अब सामने आई है। SBN 9 न्यूज रूम से नाजमिन की रिपोर्ट।